Hello everyone, how are you today? Welcome back to my class, Patsarya Chemistry Classes Gwalior. Today, we are going to discuss on lecture number 22 of Chemical Bonding from class 11th. In this lecture, we will discuss about molecular orbital diagram of helium molecule. This lecture is very, very important for those students who are preparing for GE or NEET with academic or board exam. So let's start without delay. आज के इस वीडियो में मैं आपको हीलियम मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बताने वाला हूं और साथ में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, नेचर ऑफ बॉन्ड, बॉन्ड ऑर्डर, मैग्नेटिक नेचर एंड स्टेबिलिटी ऑफ द मॉलिक्यूल, ये सारी बातें आज कवर करूंगा इस वीडियो में। प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के बारे में ये सारे के सारे पॉइंट आपको डिस्कस किए थे। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको वो पॉइंट समझ में आ गए होंगे। इस लेक्चर को देखने के लिए यदि आप पहली बार देख रहे हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इसका प्रीवियस वीडियो आप जरूर देख लें, इससे आपके कॉन्सेप्ट और क्लियर होंगे। और केमिकल बॉन्डिंग के सारे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करना है तो लेक्चर नंबर 1 से लेकर 21 तक आपको क्रम से लेक्चर देखने होंगे, इससे आपकी कोई प्रॉब्लम क्लास 11th में नहीं रहेगी। तो चलिए बिना टाइम खराब किए आपको ये समझाता हूँ। आप अपनी पेंसिल, अपनी कॉपी सामने रखिए और हर चीज को नोट जरूर किया करें, ओके? तो चलिए, तो आपको आज मैं एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बता रहा हूं, वो है हीलियम। इस हीलियम के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम में इस टाइप का बनेगा। ये एनर्जी लेवल है, ऊपर की तरफ रिप्रेजेंट किया जाता है। ये जो आप देख रहे हैं ये एटॉमिक ऑर्बिटल को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए मैं इसको लिख देता हूं AO। ये एटॉमिक ऑर्बिटल है, किसका एटॉमिक ऑर्बिटल है? ये हीलियम का एटॉमिक ऑर्बिटल रिप्रेजेंट किया गया है। इस टाइप से आपको एक बॉक्स बनाना है या एक सर्कल बनाना है, कुछ भी बना सकते हो। इसके अंदर मैं इलेक्ट्रॉन को फिल करूंगा, तो ये एटॉमिक ऑर्बिटल है। सेम इसी टाइप का एक एटॉमिक ऑर्बिटल उधर बनाना होता है, तो यहां पर भी मैं क्या लिखूंगा, ए ओ। और ये किसके लिए है? ये हीलियम का है। ये देखिए, दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल आपके समझ में आ गए। ये दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल मिलकर के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाते हैं, क्योंकि हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पढ़ रहे हैं। तो यहां पर ये आप जो देख रहे हैं दोनों, ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हैं और इन दोनों के नाम अलग अलग हैं। इसे बोला जाता है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, BMO। और ये BMO किसका है? ये हीलियम मॉलिक्यूल का है, HE2 मॉलिक्यूल। अब HE2 है या नहीं ये तो हमें अभी पता लगेगा, फिलहाल तो हमें लिखना ऐसे ही होगा HE2, क्योंकि हम मॉलिक्यूल का निकाल रहे हैं। तो ये कहलाता है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और ऊपर वाले को बोलते हैं ABMO, ABMO, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। ये दो ऑर्बिटल आपको फिल करना है, अभी बताऊंगा कैसे फिल करते हैं। उसके बाद में इसमें इसका जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तब हम इनको फिल करेंगे। कैसे फिल करेंगे मैं अभी आपको बताऊंगा। तो ये अभी आपको इतना सा इसके अंदर फिल करना है, इलेक्ट्रॉन्स को मैं बाद में बताऊंगा। पहले हम इन पॉइंट्स को समझ लेते हैं, इन पॉइंट्स को समझ लेते हैं हीलियम मॉलिक्यूल के लिए। आपके पेपर में केवल इन 7 पॉइंट पर क्वेश्चन बनेगा, ये अगर आपको समझ में आ जाता है तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो हमें सबसे पहले हीलियम मॉलिक्यूल का
ऑर्बिटल डायग्राम समझना है तो इन पॉइंट्स को भी समझ लेते हैं। सबसे पहले मुझे हीलियम मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाना है या अदर पॉइंट्स को सॉल्व करना है, तो पहले एटम के बारे में जान लें। तो एटॉमिक नंबर ऑफ हीलियम क्या होता है, एटॉमिक नंबर हीलियम का देखिए इस साइड से आपको बताता हूं, ये होता है 2। एटॉमिक नंबर को जेड से रिप्रेजेंट करते हैं और जेड इज इक्वल टू होता है 2, यानी हीलियम में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है, तो यहां पर जेड इज इक्वल टू 2 आ गया। अब आता है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन हीलियम मॉलिक्यूल, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे हीलियम मॉलिक्यूल में, एक एटम में 2 इलेक्ट्रॉन, तो हीलियम मॉलिक्यूल में दो एटम हो गए, तो हीलियम प्लस हीलियम यानी 2+2, तो यहां पर हो जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन प्लस 2 इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 4 इलेक्ट्रॉन। आप टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऐसे निकाल लेता है, दो एटम में 4 इलेक्ट्रॉन, एक एटम में हीलियम एटम को क्या लिखेंगे 2 इलेक्ट्रॉन, तो यहां पर कितने हो गए 4 इलेक्ट्रॉन। ओके, ये समझ में आ गया आपको इलेक्ट्रॉन्स के बारे में। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ हीलियम मॉलिक्यूल, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन कैसे लिखेंगे, प्रीवियस वीडियो में मैंने सारी लाइन आपको बताई है, यहां पर मैं केवल हीलियम की बात करूंगा, तो इसे लिखा जाता है सबसे पहले 4 इलेक्ट्रॉन को कैसे लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे मैं सिग्मा 1s, s में 2 इलेक्ट्रॉन, तो यहां पर लिखूंगा मैं 2, सिग्मा 1s2, कॉमा लगाएंगे। फिर होता है सिग्मा स्टार, एक स्टार लगाऊंगा यहां पर, स्टार को आप ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये सिग्मा स्टार है। फिर लिखूंगा यहां पर 1s, सिग्मा स्टार 1s2, तो देखिए टोटल कितने हो गए 4 हो गए, 2+2 4 इलेक्ट्रॉन, तो 2 और 2 4, सिग्मा 1s2। इसे बोला जाता है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और इसे बोला जाता है एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो ये हो गया हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। ओके, अब आती है बात नेचर ऑफ बॉन्ड, नेचर ऑफ बॉन्ड कैसे निकालेंगे, इसके लिए हमें पहले बॉन्ड ऑर्डर निकालना पड़ेगा, तो पहले आपको बॉन्ड ऑर्डर बता देते हैं, ये बॉन्ड ऑर्डर पहले बताते हैं। तो देखो ये होता है BO यानी बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू, इसका फॉर्मूला याद कर लो, NB-NA/2, ये इसका फॉर्मूला है। NB क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और NA का मतलब होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो यहां पर इन दोनों को लिखेंगे, इसके कहां से पता लगेगा, तो ये जो आप देख रहे हैं ना सिग्मा वन एस, सिग्मा वन एस को हम एन बी बोलते हैं, इसको यहां पर बता रहा हूं, इसे एन बी बोला जाता है, और इसे स्टार वाले को एन ए, इसी वजह से हम इसको यहां भी लिखते हैं सॉरी देखो इसको यहां एन बी से रिप्रेजेंट करेंगे ये वाले ऑर्बिटल को, और इसको यहां पर एन ए से रिप्रेजेंट करेंगे, तो ये NB हो गया और NA हो गया। तो देखिए इसके इलेक्ट्रॉन कैसे दिखाएंगे, NB में कितने इलेक्ट्रॉन हैं 2, NA में कितने इलेक्ट्रॉन हैं 2, ये देख रहे हैं आप 2 अपॉन नीचे क्या है 2, आंसर क्या आएगा 2 में से 2 गया 0, तो 0/2 यानी 0, ये आपका आंसर 0 आया। तो 0 का मतलब अभी आपको बताता हूं, यानी कि नेचर ऑफ बॉन्ड, यानी इसमें बॉन्ड ऑर्डर से हमें ये पता लगता है कि किसी मॉलिक्यूल के 2 एटम्स के बीच में नंबर ऑफ बॉन्ड्स कितने हैं। तो यहां पर हीलियम और हीलियम के बीच में कोई बॉन्ड नहीं है, यानी नेचर ऑफ बॉन्ड की बात करेंगे तो यहां पर लिख सकते हो Do not exist, यानी ये exist नहीं करता, यानी helium molecule exist नहीं करता है, molecules के रूप में नहीं पाया जाता है, ये हमें पता लगता है bond order से। अगर 1 आता तो helium और helium के बीच में single bond होता, 2 आता तो हीलियम और हीलियम के बीच में डबल बॉन्ड होता, ऐसा हमें इससे पता, डू नॉट एग्जिस्ट मैंने यहां लिख दिया है, इसका आंसर ये हो गया, यानी हीलियम मॉलिक्यूल संभव नहीं है।
अब आती है मैग्नेटिक नेचर। मैग्नेटिक नेचर भी बहुत सिंपल है, इसका तरीका ये है कि आपको यहाँ पर मैं अभी भरना भी बताऊंगा, लेकिन आपका सारा का सारा यहाँ से सॉल्व हो रहा है। तो मैग्नेटिक नेचर कैसे निकालेंगे, मैग्नेटिक नेचर निकालने के लिए सबसे बड़ी ये बात है, दो टाइप की चीज़ें रहती हैं। देखो यहाँ पर मैंने एक इस टाइप का बनाया है, अगर आपके इस तरीके ये ऑर्बिटल, ये वाला आप देख रहे हैं ना, ये बॉक्स मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, अगर आपके टोटल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हैं, इस टाइप के टू टू इलेक्ट्रॉन हों, यानी इलेक्ट्रॉन कैसे हैं पेयर्ड है, तो इसे हम बोलेंगे डाईमैग्नेटिक। कैसा बोलेंगे, डाईमैग्नेटिक होगा ये। और अगर इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है, इसी टाइप का बॉक्स अगर ऐसा है और इन बॉक्स में इलेक्ट्रॉन कैसे हैं अनपेयर्ड, यानी सिंगल इलेक्ट्रॉन इस टाइप का है, तो इसे बोलते हैं हम पैरा मैग्नेटिक, डी एंड पी। ये देखिए, ये है डाई मैग्नेटिक और ये है पैरा मैग्नेटिक। तो आप अब इसको कैसे फिल करेंगे, अभी बताऊंगा कि इसे हम मैग्नेटिक नेचर कैसे बताएंगे। तो ये डाई मैग्नेटिक है या पैरा मैग्नेटिक, यहाँ से पता लगाएंगे। तो देखिए, ये वाला पार्ट जो BMO आप देख रहे हैं, ये है सिग्मा 1s। सिग्मा 1s में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन, तो आप इसमें फिल कर दीजिए 2 इलेक्ट्रॉन। फिर आता है सिग्मा स्टार 1s, तो यहां पर लिखूंगा मैं सिग्मा स्टार, स्टार लगाइए, सिग्मा स्टार 1s। सिग्मा स्टार 1s में भी 2 इलेक्ट्रॉन है, तो यहां पर भी मैं 2 इलेक्ट्रॉन फिल करूंगा। ये देखिए, अब सारे इलेक्ट्रॉन कैसे हैं पेयर्ड हैं, तो ये डी वाला आंसर आपका राइट है, यानी मॉलिक्यूल कैसा हुआ इसका, डाई मैग्नेटिक। मॉलिक्यूल कैसा हुआ, डाई मैग्नेटिक। तो ये डाई मैग्नेटिक हुआ, पैरा मैग्नेटिक नहीं है, डाई मैग्नेटिक है। ओके, ऐसा हम पता लगा सकते हैं इस एग्जाम्पल से, इस डायग्राम से, वरना यहां से ही पता लग जाता है कि कोई भी इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड नहीं है। अब आता है स्टेबिलिटी ऑफ हीलियम मॉलिक्यूल। ये मॉलिक्यूल स्टेबल होगा या नहीं होगा, ये ट्रिक बताता हूं मैं आपको। यदि मॉलिक्यूल में NB इज ग्रेटर देन NA है तो स्टेबल होता है, ओके। और अगर NB इज इक्वल टू NA है तो ये अनस्टेबल होगा, अनस्टेबल। ये कंडीशन आपको याद रखना है। NB की वैल्यू आप देख रहे हैं, NB और NB जहां पर बराबर हैं तो ये मॉलिक्यूल अनस्टेबल है, अगर NB की वैल्यू ज्यादा होती तो ये स्टेबल होता, और ये क्या है, अनस्टेबल। अगर NB की वैल्यू NA से कम है तब भी वो अनस्टेबल होता, वो कंडीशन भी आपको याद रखना है। यहां लिख देता हूं, NB इज लेस देन NA देन अनस्टेबल, UNS लिख ही देता हूं पूरा, आपको दिक्कत नहीं आएगी। देखिए, NB इज इक्वल टू NA इज इक्वल टू अनस्टेबल, और NB इज लेस देन NA इज इक्वल टू अनस्टेबल, लेकिन स्टेबल कब होगा, NB इज ग्रेटर देन NA, ये वैल्यू देख करके आप स्टेबल है, तो ये मॉलिक्यूल कैसा हुआ, अनस्टेबल हुआ। ये समझ में आ गया, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम ऑफ हीलियम मॉलिक्यूल, जी आप देख रहे हैं मैंने ये बनाया है, ये सारी वैल्यूज आपके लिए लिखी गई है। ये एटॉमिक ऑर्बिटल है, ये एटॉमिक ऑर्बिटल है, ये BMO हीलियम मॉलिक्यूल का है, तो ये मॉलिक्यूलर इलेक्ट्रॉनिक डायग्राम है जिसका ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ गया। साथ में आपको ये भी बता दें इसको कैसे फिल करेंगे, इसको फिल करने के लिए आपको हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एटम वाला लिखना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए ये रहा हीलियम, तो हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना है, 2, तो यहाँ पर आएगा, लिख सकता हूँ यहाँ पर, यहाँ लिख देते हैं 1s2, ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हुआ, क्या हुआ, हीलियम का 1s2, तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, ऐसे ही लिखेंगे ना 1s2। ऐसा ही सेम 1s2 यहाँ है तो ये भी आएगा 1s2, इसमें s में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो यहाँ भी आपको 2 इलेक्ट्रॉन फिल करना है।
ये एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से फिल करना है, ये मॉलिक्यूल के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से फिल करना है। ज़्यादा और दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है आपको। सबसे ज़्यादा जो मेन पॉइंट है वो ये आपके 7 पॉइंट्स हैं, इनके आधार पे आपको सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो इतना देखने के बाद, हीलियम मॉलिक्यूल हो गया, इतना देखने के बाद अगर आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम आती है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बिना किसी झिझक के आप बता सकते हैं, पूछ सकते हैं, आगे की कोई समस्या बता सकते हैं, मैं उसे आपको ज़रूर बताऊंगा, ज़रूर सॉल्व करूंगा। सो थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट वीडियो विल बी कंटिन्यू।